मैं दिल्ली में जब बात चलती थी अधिकारियों से मैं बात करता था, वो कहला क्या है, मैंने कहा अब संख्या की लड़ाई नहीं रही, बॉर्डरों से आंदोलन निकल के चूल्हे पे चला गया। बोले आप कहां पहुंचे, मैंने कहा चूल्हे में चले गए हम, हर घर में आंदोलन है आज, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिया है तो कोई भी आदमी बॉर्डर की तरफ मुंह करके देख ले, दूसरे दिन ये सरकार दिल्ली से भागती नजर आएगी। घर घर में आंदोलन को घुसा दिया, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं होती है, इस आंदोलन ने नेता दिए। कोई भी आंदोलन इस तरह का चलता है तो नया नेतृत्व आता, इस आंदोलन ने हर जिले को, हर प्रदेश को, हर गांव को नेता दिए, इन्हीं में से भविष्य का नेतृत्व निकलता। कोई सोशल मूवमेंट में रह जाएगा, कोई राजनीति में चला जाएगा, देश की नए नेतृत्व की नींव रखी गई है इस आंदोलन के माध्यम से, ये अचीवमेंट है इस आंदोलन की। 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ और उसके बाद जो हालात बने, तो एक दफे ऐसा लग रहा था कि आंदोलन का अंत, एक निराशा थी। मुझे कहने में संकोच नहीं है, जो मेरे भाई संभाल रहे थे उनको राह नहीं सूझ रही थी कि किस तरह से आंदोलन अब आगे जाएगा, किस तरह से इस आंदोलन को सिरे तक ले जाएंगे। सरकार ने जो ट्रैप, जो जाल बिछाया था 26 जनवरी का, उससे निराशा का माहौल था। राकेश जी और हमने बात की, हमने एसकेएम में भी चर्चा नहीं की इस बात की, हमने एसकेएम में कहा निराश मत हो आप यहां धैर्य से बैठे रहो, हिम्मत से, आगे काम हमारा, आपके बलबूते पे। हमने संदेशा भेजा जींद में, 28 की घटना थी, 29 को, 30 को हमने संदेशा भेजा और 3 को हमने मीटिंग करी जनवरी में। देश का कोई भी जिला करके दिखा दे, 3 दिन में जो मीटिंग यहां हुई उसका नतीजा हुआ कि सरकार को घुटने टेकने पड़े। अगर वो जींद में मीटिंग कंडेला में नहीं हुई होती तो ये सरकार घुटने टेकने वाली नहीं थी। विजय की शुरुआत यहां हुई थी, केवल 3 दिन के समय में 8 प्रोग्राम थे जींद में, उस दिन अकेली कंडेला में नहीं थी, आपके टोल पे बड़ी मीटिंग थी, और उसके अलावा जहां जहां भी लंगर चल रहा था 8 मीटिंग थी। उस दिन रात के 1 बजे हमने समापन किया था अपने मीटिंगों का। एक जिले में जन सैलाब का उमड़ पड़ना, दिल्ली की सरकार के उस दिन ही पंजे हिल गए थे, और उसी दिन उनको लगा था कि जो जाल तुमने फैलाया, जो तुमने षड्यंत्र रचा था, उसका ये जवाब दे गए एक सप्ताह में, वो आपके बलबूते पे दिया था। तो जींद के लोगों को ये कहना, भीड़ के बारे में कहें या आंदोलन के बारे में कहें, तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी, क्योंकि जींद के लोग जानते हैं लड़ा कैसे जाता है, इकट्ठा कैसे हुआ जाता है, और शायद कहीं ना कहीं ये मीटिंग यहां रखी है। जब मीटिंग रखने की बात आई तो बीकेयू जो है वो जनवरी में मीटिंग नहीं करती है, हम कई चीज देखते हैं मीटिंग करने से पहले, मौसम देखते हैं, त्योहार देखते हैं, साया देखते हैं, किसान का काम देखते हैं, कई चीजों का आकलन करके मीटिंग रखते हैं। कुछ भाई अति उत्साहित थे जिन्होंने, हमने कहा था कि मार्च हमारा जो है गेहूं का आखिरी पानी दे के हम फ्री हो जाते हैं और कटाई में टाइम रहता, हम किसान को देखते हैं कि किसान की व्यवस्था, आज के दिन तो किसी का पानी का बार आज है, किसी का कल है, किसी का परसों, व्यस्त है। लेकिन वो भाई समझ नहीं पाए हमारी बात को, और एसकेएम में कुछ भाइयों ने धक्के से मीटिंग बोला करेंगे,
वहां कह के चले गए और फिर घबराए वो। और हमारे भाइयों की आदत है कि वो चैलेंज को स्वीकार करते हैं। तो हमारे भाई जींद वाले गए हुए थे कि ऐसा है, टेंशन ना लो, हम कर देंगे। और ये 26 तारीख की मीटिंग, जो जैसी आपकी फितरत है, प्रवृत्ति है, आप उसे ले आए, ले लिया चैलेंज, ले लिया, ठीक है, ले लिया तो पार भी तारेंगे। जारी उत्तर भारत का, और उत्तर भारत में भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, थोड़ा बहुत राजस्थान, बाकी स्टेटों से तो रिप्रेजेंटेशन होगा, भीड़ नहीं होगी। तो आपका दायित्व तो ज्यादा बन जाता। भाई ने बताया कि प्रचार कम, दो दिन में तो बहुत कुछ हो जाता। आज अवेकनिंग है, सोशल मीडिया से हम जुड़े हैं आपस में, नेटवर्क है। कई लोग कहते हैं इस आंदोलन से मिला क्या, जो लोग दिल्ली थे उनको हमने कहा था आंदोलन जो है खत्म नहीं हो रहा, पोस्टपोन हो रहा, लंबा आंदोलन हो गया, और लंबे आंदोलन के बाद रेस्ट की आवश्यकता होती है, ब्रेक है, रेस्ट दिया जा रहा आंदोलन, आंदोलन फिर चलेगा। और हमारी जो मांगे रह गई है उनको लेके हम बैठने वाले नहीं। बहुत लोगों ने ये कहा कि इस आंदोलन से आपको क्या मिला, मैंने कहा इस आंदोलन से देश का किसान इकट्ठा हो गया पूरे देश में। आज 26 तारीख आप जींद में कर रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है। अभी राकेश जी आए, पिछले 12 दिन से बाहर थे, कल शाम को ही लौटे। ये यूपी में थे, बिहार में थे, केरल में थे, तमिलनाडु में थे, कर्नाटक में थे, पूरा घूम के आए। हर जगह की तैयारी है, वो यहां तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन वहां अपने सतर पे हर जगह 26 तारीख को किसान इकट्ठा होगा। ये इस आंदोलन की वजह से, इस आंदोलन की देन है। एक कॉल से पे एक प्रदेश में पूरे में लोग इकट्ठा नहीं होते थे, आज आपकी एक कॉल पे पूरे देश में कार्यक्रम होंगे 26 तारीख। आंदोलन नेता देता, नेतृत्व देता, इस आंदोलन ने दिया हमें ये बहने। इस आंदोलन में महिलाओं का जो योगदान रहा, मैं बहुत दिन से सक्रिय हूं, किसान यूनियन की मीटिंगों में महिलाओं का चेहरा नहीं दिखता था, क्योंकि हमारे यहां इस तरह का वातावरण था कि महिला ये मानते थे कि महिलाओं का तो ये काम ही नहीं है। लाख लाख की भीड़ हो जाए, एक महिला नहीं दिखाई देती थी, लेकिन कई टोलों पे, आप वाले टोल पे था, मैयर था, और टोल बधेरे थे, दिल्ली में थी संख्या, 50,000 तक की संख्या महिलाओं की पहुंची अपने आप में, मेरे ख्याल से देश का ही नहीं दुनिया का रिकॉर्ड, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो इस आंदोलन की उपलब्धियां थी। बहुत लोग कहते हैं क्या मिला, समस्या तो ऐसी की ऐसी है। मैं 44 साल से मूवमेंट में हूं, अगर ये निराश हो जाए कि मिला कुछ नहीं तो क्या कर रहे थे भाई, कहीं 54 हाथ पड़गी, कहीं 58 पड़गी, कहीं रुपया मिल गया, लेके ही आते हैं कुछ ना कुछ, लड़ते हैं, निराश होकर घर थोड़ी बैठ जाते हैं, कुछ नहीं मिला तो घर बैठ जाएंगे, फिर जाते हैं, लड़ते हैं। ये लड़ाई है हमारी, जो मुख्य मांग MSP, उसको आपने उस आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। MSP की बात देश में होती नहीं थी, आज कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां MSP को लेके बात नहीं होती। एक कमी अभी, जो अभी भाई आप कह रहे थे, एक कमी हम महसूस करते हैं। ये अरोड़ा जी बैठे हैं यहां, चौधरी चरण सिंह कहते थे किसी इलाके को देखना हो उसके कस्बे में चले जाओ, गांव में जाने की जरूरत नहीं है, कस्बे में अगर दुकान
मैं लाला जी कनस्तर में दाल रख के बैठा है तो समझ लो कि हालत खराब है। और बढ़िया शोकेस, बढ़िया शोरूम है, हर चीज बढ़िया, दुकान की हालत अच्छी है तो इलाके की हालत अच्छी है। उनका मतलब था, वो बहुत समझाने आदमी थे, गांव में पैसा होगा तो कस्बे में होगा ना, दुकान वाला क्या करेगा। हमने भी दुकान देखी है जहाँ कटौड़ कर रस्तरा में दाल सेब और दाल और फलाना ढिकड़ा धरा रहता, और आज वे भी दुकान देखी है, एक एक दुकान का शोकेस और शोरूम, और इतना बड़ा घुस जाओ तो 20-20 किलो में शोरूम पड़ा रखे। प्रॉस्पेरिटी जो है वो बाजार से, यानी कि हमारा चोली दामन का साथ है, हमारी जेब में होगा तो इनसे खरीदेंगे, इनके पास आएगा तो आगे चलेगा, ऐसे ही सिस्टम चलता। आज एक तो बाजार को जोड़ना पड़ेगा, बाजार वालों को भी ये एहसास कराना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम शत्रु नहीं है एक दूसरे के, हम पूरक हैं, हम संपन्न हैं तो बाजार संपन्न होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा कंज्यूमर, उपभोक्ता, आप अपने साथ उसको जोड़ो। ये सरकार मारेगी हमें, हम पहला अटैक हम पे है, उत्पादक पे, हम पैदा करने वाले हैं, लेकिन फिर दूसरा अटैक कहाँ होगा। जब होल्डिंग करेगा, कब्जा कर लिया अडानी ने हिमाचल के सेफ पे, 18 रुपए खरीद के 100 रुपए बेच रहा है, गेहूं पे कब्जा कर लेगा तो आपका 2000 रुपए खरीद के वही 100 रुपए 150 रुपए बेचेगा, उनका ठप्पा लगेगा जैसे ही उसके कब्जे में आएगा, तो मरेगा वो भी जो खाने वाला, जो किसान नहीं है, उसको समझाने की आवश्यकता है कि ये लड़ाई तेरी भी है, आज हम पे है तलवार, कल तेरे लगेगी, उसको भी साथ जोड़ना पड़ेगा। भविष्य का एक बड़ा आंदोलन व्यापारी वर्ग को, मजदूर को, किसान को, उपभोक्ता को लेके खड़ा करना पड़ेगा। लंबी लड़ाई है, निराश होने की जरूरत नहीं है कि कुछ ना मिले और सरकार नहीं, सरकार ने पहले भी घुटने टेके थे, आगे भी घुटने टेकेगी, बशर्ते हम संगठित रहे, हम इकट्ठा रहें और एक सूत्र में बंध के लड़ें। मैं जींद में बहुत दफे आता रहा हूं, और जिस तरह जब भी हम रोड से गुजरते थे पहलवान जी, जिस तरह से एक व्यवस्थित तरीके से मजबूती के साथ डटे रहते थे, और जिस तरह से इन्होंने एक मोर्चे को संभाल रखा था, उसकी मिसाल देते थे हरियाणा कि हमारा एक मजबूत मोर्चा है जिसको पहलवान जी संभालते हैं, फौजी जिस तरह से डेडिकेटेड होता है, अपने काम के प्रति समर्पित होता है, वो जो इनका मूलभूत गुण होता है उसी के माध्यम से चलाते थे। बहुत ही रिगार्ड हम इनका रखते हैं, कोई भी मतलब इनका बातचीत चाहे कम हुई हो या ज़्यादा हुई हो, लेकिन इनकी कार्यशैली को समझते हैं, हम भी लोगों के बीच में रहते हैं और देखते हैं कि कौन आदमी किस तरह का कार्य करता। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, 2 दिन बचे, आपका दायित्व बन जाता है सबका, आप लीड करते हैं, लीडर हैं, ये सब बैठे हैं यहाँ, बहुत से ऐसे हैं जो हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, आप चलाते हैं तो आप इस संगठन से जुड़े हुए आप हैं, तो सब एक अपना बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे सारी उम्र निकल गई, वरिष्ठ नेता हमारे रामफल जी हैं, तो एक आपस में बात करें और आगे बढ़ें। और जिले में भ्रम की स्थिति जो बनी हुई थी, आपने कहा राकेश जी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, यही क्लियर नहीं था, उसी भ्रम को क्लियर करने के लिए हम यहाँ हैं। आज 23 तारीख है, 26 तारीख और 23 में अंतर नहीं है, लेकिन हमको आभास हुआ था कि कोई भ्रम बना हुआ है, कुछ मुगालते, उन मुगालतों को खत्म करने के लिए, उस भ्रम को दूर करने के लिए हम आए कि हमारा एक परिवार, हम सब इकट्ठे हैं। मुगालते होते रहते हैं और वो दूर भी होते हैं, गलतफहमियां होती हैं वो दूर भी होती हैं, कोई हमारे बीच में इस तरह का नहीं है, हम सब एक टारगेट को लेके, हमको मछली की आंख दिखाई देती है, हमें इस सरकार की किसान विरोधी मजदूर विरोधी नीतियां दिखाई देती हैं, और उस मछली की आंख पे तीर मारेंगे 26 तारीख को, ऐसा मेरा भरोसा। धन्यवाद जय किसान।